बोल रहे थे कि हमारे इंस्टाग्राम पे बस इतना ही आ रहा है वो वीडियो ऐसा। इसको ऐसे कर सकते हैं ना। आज का दिन कुछ ऐसा हो गया कि मतलब आप समझ लो कि हमें जो है व्लॉग स्टार्ट करने का समय ही नहीं मिल पा रहा था। एंड थिंग हैपेंड लाइक यू नो आई वोक अप समवेयर अराउंड आई गेस एक डेढ़ के आसपास एंड देन जो है आई वॉज सपोज टू कम टू अनियास क्लास एट 4:30 PM। तो मैं 3 बजे से ही तैयार होना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे मालूम था कि लेट हो जाता है यूजुअली। तो मैं 4 बजे तक एनी हाँ मुझे छोड़ देना था घर, तो मैं आई डिड दैट, बट स्टिल 10 मिनट आज लेट हुआ। बस टॉकिंग टू पापा, इसलिए वो गलत मतलब थोड़ा गलत रास्ते में मैं चल गया था। गलत नहीं मतलब इनफैक्ट वो जो यू टर्न लेना था, और हालांकि वो रॉन्ग टर्न उस जगह पे नहीं ले पाया, तो मुझे एक लंबा सही टर्न लेना पड़ा वो ग्रोवेल्स मॉल के पास। एंड आई रियली डोंट नो वाई दीज गाइज यू नो रिक्शा वाले हॉर्न बजाते हैं, आज तक हमें समझ में ही नहीं आया। जब आप ट्रैफिक में रहते हैं तो आप जब हॉर्न बजा भी रहे हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है यार। आप तो मतलब यू नो आई डोंट मेक एनी चेंजेस बट स्टिल पीपल ब्लो हॉर्न, आई डोंट नो व्हाई। सो यस, अभी सोनाली जी का कॉल आया था, आयुष इज़ ऑलरेडी देयर। तो मैं 4:40 में उधर पहुँच गया था अपना अन्या के घर, 5:40 में आई लेफ्ट। अभी समय हो रहा है 5:52 PM एंड आज का तारीख है 17 जून 2019, सोमवार है आज। एंड द टेम्परेचर इज 31 degrees Celsius। इट्स हेज एनी वेज। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइज। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वंडर्स इन योर लाइफ by ignoring negativity and by accepting positivity and by being thankful to almighty for whatever you have in your life। ये अभी दूसरा कॉल आया वैभव का, वैभव भी पहुंच चुका है, उसको मैंने 6 बजे बुलाया था। एक्चुअली आज आयुष यूजुअली क्या होता है कि सोनाली जी कॉल करती हैं बिफोर आयुष लीव फ्रॉम हिज होम, लेकिन आज उनका कॉल नहीं आया था। राजेश जी ने मैसेज किया था, मैंने मैसेज देखा बट मेरे दिमाग में कुछ मिसकैलकुलेशन हो गया तो मैं कुछ रिप्लाई नहीं कर पाया बिकॉज आई वॉज इन आन्यास क्लास। तो यस, एक छोटी सी बुरी खबर है। बुरी खबर मतलब कि आई यूज टू ट्वीट टू यू नो फ्यू ऑफ द एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स एवरी डे। सो ट्विटर हैज़ सस्पेंडेड माई अकाउंट। आई रियली डोंट नो कि बींग यू नो मैं तो कोई आई एम तो वेरी यू नो मध्यवर्गीय इंसान हूँ, आम आदमी हूँ। सो अभी हम लोगों को अगर यू नो बड़े लोगों तक पहुँचना है या कुछ, एंड इट्स नॉट लाइक कि समझ रहे ना कि आप मतलब एज अ फैन मतलब आई डोंट वॉन्ट टू मीट एनी ऑफ द सेलिब्रिटीज रिलेटेड बी सलमान खान और शाहरुख खान एज अ फैन। ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट वॉट दे आर एंड वॉट दे हैव अचीव्ड इन देयर लाइफ एंड you know what God has blessed them with, but हमें उनसे जो है एक you know as a professional musician मिलना है या उन तक अपना message पहुँचाना है, तो कैसे करें समझ में नहीं आता है। 2013 एक वक्त था जब आई थिंक या दैट वॉज 2013 या 14 था, 2013 का एंड होगा या 14 मान लो। उस वक्त मैं हर एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर से जाकर पर्सनली मिला करता था। एक और बंदा था, इज नेम इज़ जॉयदेव, तो उसके साथ मतलब यू नो वी यूज़ टू रोम अराउंड एंड मीट एवरी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स, बट द रिज़ल्ट वाज यू नो जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं वो आपको यू नो कुछ एक छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स, छोटे मोटे मतलब कि जिनका मूवी आप जानते नहीं हैं या जानते भी हैं तो उतना चला नहीं है, कुछ लोगों से मिलने के बाद यू नो कुछ लोग काफ़ी देर समय भी व्यतीत हुआ तो पता चला कि यार ऐसे लोग से मिल के कोई फ़ायदा नहीं है। अब अगर हमारा काम लाइक सी अगर आप हमारे गाने को सुनेंगे, इफ़ यू हैव लिसन माय म्यूज़िक, आप अगर नहीं सुने तो सुन लीजिए, तो यू विल डेफिनेटली फाइंड इट कि इट इज़ नॉट यू नो सी क्लास और डी क्लास म्यूज़िक, इट हैज़ सम यू नो
मतलब प्रीमियम क्वालिटी का काम क्योंकि मैं करता हूँ, क्योंकि काफ़ी पैसे खर्च करता हूँ मैं, एंड यू नो म्यूजिशियंस जो हैं हमारे वो काफ़ी मैच्योर और स्ट्रॉन्ग लोग हैं. तो अब क्योंकि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ तो मुझे वैसे ही लोग भी चाहिए, राइट? तो आई रियली डोंट नो किस तरीके से कॉन्टेक्ट किया जाए. और हमारा काम, आई एम डैम श्योर कि जिस दिन सलमान खान या शाहरुख खान या आमिर खान या अक्षय कुमार या अजय देवगन या यू नो बड़े लोग तक जिस दिन भी पहुँचेगा और वो अगर हमारे गाने को सुनेंगे तो आई एम डैम श्योर कि दे विल, ये हमें विश्वास है, ये घमंड नहीं है इस बात का, ये हमें इस बात पर विश्वास है कि 110% दे विल लाइक इट एंड यू नो समथिंग गुड विल हैपन. बट एनीवेज ये एक खबर था जो आपको देना था. तो कल रात में मैं सारा कुछ एडिट वगैरह करके सोया और वही ट्वीट कर रहा था तो ये पता चला माय अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड. आई हैव गिवन ट्विटर यू नो आई हैव रेज्ड यू नो रिक्वेस्ट टू अनलॉक इट. तो अब मैं समझ गया कि इट्स नॉट टू ट्वीट यू नो एवरीवन. तो मैंने कल रात में इसलिए सारा एडिट वगैरह करके सोया क्योंकि यू नो सुबह उठने के बाद करने वाला सीन जो है वो थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है. इरिटेटिंग मतलब उसके वजह से दिन का, कल का व्लॉग आज ख़त्म होता है एंड चीज़ें इस तरीके से होती है. सो चलिए अभी क्लास चलते हैं और फिर मिलते हैं. वैभव से आयुष. चेंज नहीं है, कैश कैशलेस. कुछ पेटीएम वगैरह लेते हैं, पेटीएम या कुछ ऐसा कोई भी चीज़. कैश नहीं रखते हैं. टाइम अपडेट इज़ 8:36 एंड द टेम्परेचर इज 29°C. इट्स थंडर स्टॉर्म्स था अभी, तुरंत हेज हो गया. सो जब हम लोग बात कर ही रहे थे तो बात ये भी करते हैं कि हमने ये देखा है कि अपने लोग, अपने मतलब सो कॉल्ड जो कहने के लिए अपने लोग होते हैं या जानकार लोग, मतलब जाने जान पहचान के लोग होते हैं, उनसे आप कुछ उम्मीद मत कीजिए कि आपको वो किसी भी तरह का सपोर्ट करेंगे. मॉरल सपोर्ट तक नहीं कर सकेंगे वो लोग. ऐसे लोग देखा हमने कि बहुत लोगों को लिंक भेजा तो लोग लिंक देखकर भी यू नो कुछ किसी भी तरह का यू नो रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं. तो ऐसे सो कॉल्ड अपने कहने वाले लोग को जो है हम अपने ज़िंदगी से दूर कर रहे हैं. मतलब अपने नंबर, जो जिन लोगों का भी नंबर है वो आई एम जस्ट सिंपली यू नो फकिंग इट अप. सॉरी दिस वॉज रूड, थ्रोइंग इट आउट. सो अभी खामोशी का शो है, खामोशी इज़ अ थ्रिलर हॉरर मूवी बाय प्रभु देवा जी एंड तमन्ना भाटिया. तो यस, बाय द वे यू गाइज कैन नाउ, जिसके पास भी एलेक्सा है यू गाइज कैन नाउ चेक इट आउट इन मतलब डू प्ले, जस्ट से एलेक्सा टू प्ले बारिश होगी, शी विल स्टार्ट प्लेइंग दैट. एंड अमेज़ोन पर लाइव हो चुका है, hangama.com पर लाइव हो चुका है, JioSaavn.com पर लाइव हो चुका है, iTunes पे, iTunes स्टोर पे आ गया, यू कैन बाई इट, एप्पल म्यूज़िक पे आ गया है. अभी तक फ़िलहाल के लिए इतना. अभी सिर्फ gaana.com बचा हुआ है बिकॉज एज आई सेड यू के गाना रिक्वायर्स इमेज. तो यस, बस फिलहाल के लिए इतना ही. तो चला जाए अभी वो देखते हैं. खामोशी. आयुष आया था क्लास, हो गया क्लास. वैभव का हो गया क्लास और क्लास हो गया, सबका क्लास हो गया. लेट्स गो. अच्छा, द शो इज इन 24 कैरेट, दैट इज नियर टू योर ऑफिस, राइट? नेक्स्ट टू माय ऑफिस. ओके, नेक्स्ट टू, हाँ सर, द सेम वॉल इनके ऑफिस के पास. तो ये ऑफिस पहली बार रात में जा रही है, पहली बार नहीं है पहले. चलो लेट्स गो. बोल रहे थे कि हमारे इंस्टाग्राम पे बस इतना ही आ रहा है वो वीडियो. ऐसा इसको ऐसे कर सकते हैं ना? ओ सीखो, तो नहीं पता था. ला 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 ला, दो आ गया, आ गया, आ गया. ठीक है, वीडियो को ऐसा कर सकते हैं, हमको नहीं पता था. तो बकलो लेता हूं क्या करें? हमने आपको पूछा था स्क्रीनशॉट भेज के. चल, तो शी इज आल्सो अपलोडिंग एंड बायो में लिंक डाल देना. तो बस,
ऑर्गेनिक व्यूज ऑर्गेनिक लोग तक जितना हो पा रहा है शेयर कर रहे हैं, बाकी ईश्वर हमारे हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोग हो सकते हैं, 1,000 लोग, 1,500 लोग, 2,000 लोग, लेकिन पूरे ब्रह्मांड तक पहुँचना है तो ईश्वर का कृपा ही चाहिए। आई होप कि ईश्वर को पसंद आए ये गाना। तो बारिश होगी, अगर नहीं सुने तो सुन लीजिए। चलिए लेट्स गो। यहाँ पे बेसमेंट पार्किंग नहीं है क्या? किधर है? अंदर बाबा का पेट किधर गया? ओ सर, ओ सर, वो बाबा का पेट किधर गया? सो दिस इज 24 कैरेट, क्वाइट गुड। नहीं दे सकता? फ्रेंच फ्राइज फ्राई करेंगे वो लोग, गरम टाइम लगेगा ना, गरम करके देंगे। गरम मतलब हम लोग बना के नहीं रखते, फ्रेश ही देते। सो क्या है? 2 फ्रेंच फ्राइज, 2 समोसा, बराबर? 2 प्लेट समोसास, मींस 4 पीसेस ऑफ समोसास एंड 1 फ्रेंच फ्राइज। वंच विद मेयोनीज डिप। ठीक है। 1 or 2? ले लो। 2 ले लो। टाइम अपडेट इज 11:02 PM विथ 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इट्स शावर्स। खामोशी मूवी वॉज एक्चुअली थोड़ा खामोश था। क्या बोल रही? ठीक है। अब यू वॉन्ट टू गिव योर रिव्यू? यू कैन गिव। मैं मूवीज जो देखने आता हूँ मैं तो भाई बस आई रेस्पेक्ट द स्टारडम एंड द स्टार। तो प्रभु देवा, तमन्ना भाटिया, विक्रम भट्ट भी थे। एंड क्या बोल रहे? मैसेज है जैसा वो आखिरी में लड़ी वैसे स्टार्टिंग में लड़ी, तो शायद इतने लोग मरते भी नहीं। वो लड़ी का वो तो खुद मर गया ना, उसको गोली तो कोई और मारा ना, वो थोड़ी मारी ब्रेव की तरह। हाँ तो जितना भी वो मारी करी एकदम लास्ट में नहीं, जो वो हाँ आग वाला वो निकाल के इतना मारी ना कान वाला, उतना वो स्टार्टिंग से ढेर सारा मारती, तो
बारिश हुई, बारिश गई नहीं, छतरी हमारा कार में ही है, तो यहाँ पे बेसमेंट पार्किंग है लेकिन हमने नहीं किया। चलिए अभी सीधा घर में मिलते हैं। तो मैं हूँ जानवी और ये है द ब्लॉगर शहसानिलिया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। छोड़ेंगे अपने घर और ये जाएंगे अपने घर। चलो लेट्स गो। द टाइम अपडेट इज 7:23 AM 18 June 2019 मंगलवार। द टेम्परेचर इज 29 degrees Celsius। इट्स पार्शियली क्लाउडी। सो बेसिकली हुआ ये कि आई केम फ्रॉम द मूवी, उसके बाद आई स्लेप्ट लगभग 3:30 बजे के आसपास, हमारी नींद टूट गई। फिर मैं शेयर करने लगा अपना गाना, अपने गाने को यू नो एक्स स्टूडेंट्स से, जितने भी सारे पुराने स्टूडेंट थे, मतलब लेटर एक्स कंप्लीट किया और फिर उसके बाद हमें नींद ही नहीं आ रही। तो अभी आई एम जस्ट मेकिंग मैगी, मुझे भूख भी लग रही है थोड़ी, तो बस विल मेक मैगी अभी। श्रेष्ठा बेसिकली सी इज स्लीपिंग। तो आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस व्लॉग गाइस। तब तक के लिए कीप स्प्रेडिंग लव एंड हैप्पीनेस, इग्नोर नेगेटिविटी, एक्सेप्ट पॉजिटिविटी, बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी फॉर वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ, हैव अ ड्रीम, कीप ऑन चेजिंग इट, कीप ऑन क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि जो कुछ भी आपको आपके ज़िंदगी में चाहिए, क्या आप उस चीज़ को सच में पाने के लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं, यस या नो। अगर नहीं कर रहे हैं तो कीजिए, और अगर कर रहे हैं तो समझ जाइए आप सच में सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक भी आप पहुँचना चाहते हैं, क्या आप उस जगह तक पहुँचने के लिए आज सच में काबिल हैं, यस या नहीं। अगर नहीं है तो वर्क हार्ड लाइक हेल एंड बी द डिजर्विंग पर्सन। ट्रस्ट मी, द डे यू विल बी टर्निंग डिजर्विंग, व्हाट विल ट्रूली गिव यू व्हाट एवर यू डिजर्व इन योर लाइफ। क्योंकि ईश्वर हमें वही देते हैं जो हम डिजर्व करते हैं, ना ही उससे ज़्यादा ना ही कम। तो बस मेहनत कीजिए, खुशियाँ बांटिए, प्यार बांटिए। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड इन हैशटैग श्रेयस अंडिलिया लाइक। मैं मैगी इस तरीके से बनाता हूँ, पहले काफ़ी दिन के बाद बना रहा हूँ। पहले ये अपना पानी को खौला लेने का, खौलाना यानी कि बॉईल कर लेने का, देन उसके बाद मैं मसाला डालूँगा। देन सो दैट्स द ओरिजिनल, आई थिंक दिलीप कुमार जी का सिग्नेचर है, 11/11/2004 में। क्या बात है, अद्भुत।